रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अब एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक से उपचार होगा, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज के डीन ने आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टरों को अपनी सेवाएं देने के लिए संजय गांधी अस्पताल बुलवाया है। डॉक्टरों की हड़ताल ने सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी। रीवा के श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में पूरे प्रदेश के साथ रीवा के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इस अस्पताल में ज़्यादातर पेशेंट आसपास के इलाकों से रेफर होकर आते हैं, वहीं अस्पताल की ओपीडी भी हजारों में होती है, जिसके चलते संजय गांधी अस्पताल के इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण काल में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित मरीजों को आयुर्वेदिक उपचार से ठीक करने वाले डॉक्टर संजय गांधी अस्पताल के तमाम बीमारियों के मरीजों को ठीक करने की कवायद में जुड़ने जा रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में भी आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में हमने डीन रीवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर देवेश सारस्वत से बात की। रीवा के मेडिकल कॉलेज से लगे हुए संजय गांधी अस्पताल में प्रतिदिन कई हजार लोगों की ओपीडी होती है, मरीज भी काफ़ी परेशान होते हैं जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। हमने कुछ मरीजों से बात की, साथ ही संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। नई गढ़ी, छोटी चमड़िया, नई गढ़ी। समस्या इस बच्ची का पेट में दर्द है, पेट में दर्द दस्त हमको भी लग रहा है। पर्ची क्यों काटी जा रही है जब यहाँ पे डॉक्टर हड़ताल में है? तो अभी कोई डॉक्टर नहीं बैठे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, जितने चैम्बर है सब देख लीजिए। कुशवाहा, क्या समस्या है? सर पेट में ऐसे गुलसा टाइप के, तो वही दिखवाने आए थे, तो पर्ची काट दी गई है, डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं। कितने बजे आया? यहाँ 11 बजे। अभी तक बैठे कोई डॉक्टर नहीं? जी। कितने लोग कहाँ से आए? बैकुंठपुर से आए हम, दो लोग। रचना कुशवाहा। तो हाँ, मैं पता नहीं था, पर्ची कट गई है और परेशानी हो रही है। अभी आएंगे, प्रेगनेंसी थी दिखाना था। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, आज कोई डॉक्टर नहीं है। कितने बजे आप आई हैं? कितने घंटे से बैठे हैं आप? आधे घंटे से बैठे हैं। मेरा नाम त्रिलोक दहिया है। समस्या है, लड़के को लेकर आया हूँ मैं, गिर गया गाड़ी से, डॉक्टर नहीं है, अता चलना अब क्या करे, अब खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर से आना? एक घंटा हो गए। आपको जानकारी नहीं है कि आज तक? ये नहीं मालूम, नहीं जाना, जो मऊ दलदल से आता हूँ। कहाँ से आए आप? जो मऊ दलदल से, 25 किलोमीटर दूर से। कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हैं? एक घंटा हो गए। एक घंटे, कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक दहिया। किस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे आप? अभी तक हमको जेडीए ने आश्वासन दिया था कि इमरजेंसी सेवाएं भले वो अनऑफिशियल तौर पे देख रहे थे, अभी तक तो ऑफिशियली तो उनके भी सेंट्रल जेडीए ने बोल दिया था कि स्ट्राइक पे जाएंगे, और अभी अभी उन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया है कि अभी सेवाएं हम समाप्त अब नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद हमने आयुर्वेद कॉलेज से डॉक्टर्स की टीम पहले से ही, जो आयुर्वेद कॉलेज के अधिष्ठाता थे, उन्होंने कल हमको रात में लिस्ट भेज दी थी, वो लोग सुबह से कार्य कर रहे हैं। और अभी कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन और आईएमए की बैठक ली थी अभी जिला चिकित्सालय में, तो कलेक्टर और कमिश्नर साहब ने बताया कि उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि इमरजेंसी सेवाएं वो लोग यहाँ पे संजय गांधी में भी देंगे। तो अभी वो सीएमएचओ से संपर्क करके उसी की टीम बना रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन डॉक्टर्स जो रहेंगे जो सेवाएं देंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर अवतार सिंह, अधीक्षक संजय गांधी हॉस्पिटल।